पलवल की सरजमी पर पहुंच गए हैं और पलवल की सरजमी पर हमारे साथ तमाम लोग हैं। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए गुरमीत, हरियाणा विधानसभा के चुनाव की वजह से सियासी माहौल गर्मा गया। हालांकि मौसम थोड़ा मेहरबान है, मौसम जरूर मेहरबान हो गया है। हालांकि गर्मी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि अगस्त का महीना है, लेकिन हरियाणा में गर्मी और ज्यादा पड़ रही है क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल बज चुका है, सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और हम पलवल विधानसभा क्षेत्र में, अगर पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो दर्शकों को बता दें कि इस पर इस वक्त इनेलो का कब्जा है। यहां से सुभाष चौधरी, यहां से आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में विधायक है और फिर से इनेलो ने उन पर भरोसा जताया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, तमाम खास मेहमान हैं। पहले मैं आपको परिचय करा देता हूं, फिर और कुछ मुद्दे भी लूंगा मैं। हमारे साथ सुभाष चौधरी साहब हैं, इनेलो के विधायक है। आपको बता दें एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हमारे साथ गिरिराज डागर साहब है, बीजेपी की तरफ से रहेंगे। गिरिराज डागर साहब है, बीजेपी की तरफ से रहेंगे। आपको बता दें इंद्र दलाल साहब हमारे साथ, ये कांग्रेस की तरफ से इंद्र दलाल साहब रहेंगे। तो तमाम नेता हैं, तमाम जनता, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पलवल की पूरी जनता, नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग यहां पहुंच गए हैं। वो तमाम अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन पहले मैं यहां के स्थानीय पत्रकारों से बात करूंगा और उनसे जानूंगा। जो हमारे स्थानीय पत्रकार ऋषि भारद्वाज, पहले मैं उनसे जान लेता हूं। ऋषि, इस बार की बात की जाए तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पर पलवल विधानसभा में काफी मुद्दे हैं लोगों के। हम यहाँ पर जाते हैं गांवों में और लोगों की समस्या सुनते हैं। तो यहाँ पर गांवों में जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, यहाँ का जो सामान्य बस अड्डा उसका बुरा हाल है, यहाँ पर जो अस्पताल है उसके अंदर लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती है। यहाँ बताया आरोप लगने बार बार की मेडिसिन यहाँ पर बेच दी जाती है। यहाँ पर काफी मुद्दे हैं, यहाँ पर शहर में साफ सफाई नहीं है, लोगों को बेरोजगार है और यहाँ पर जो युवा है वो भी बेरोजगार है, यहाँ पर कोई ऐसे महाविद्यालय नहीं। तो काफी मुद्दे हैं यहाँ पर, इन्हीं मुद्दों को बहुत सारे मुद्दे रहने वाले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं ओम प्रकाश गुप्ता साहब, उनसे भी जान लेते हैं। गुप्ता साहब, आप तो जानते हैं पलवल की नब्ज आपने भी देखी है और समझी है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में? देखो, सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ है, मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं, मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं उसमें यहाँ बहुत बुरा हाल है। ना कोई शिक्षा का अभाव है यहाँ, जो स्वास्थ्य का अभाव है, इवन जो सफाई है पीने का पानी तक भी नहीं है। उसके बाद यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों को, जो दमन चक्र यहाँ चले हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है और उससे निजात पाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है और ये इसको मतलब नुकसान को काफी नुकसान पहुंचाएगा, मेरा ऐसा मानना। और बीजेपी और एनएलए की स्थिति क्या देखा? नहीं, बीजेपी की जहां तक स्थिति है, देखो जब से ये सेंट्रल में सरकार आई है उसके बाद उनके हौसले बुलंद हैं और जो लोग हैं जिन्हें टिकट उधर उधर नहीं मिल रही है उधर राहत तलाश रहे हैं और बीजेपी ने भी बिल्कुल एक पूरा बिछात बिछा रखी है और उनके लिए तत्पर हो रहे हैं कोई कौन सा हमें ताकतवर मिले और हम उसमें उनको हम अपने साथ लें। बिल्कुल, तमाम मुद्दे रहेंगे। चलिए अब सियासतदानों से जान लेते हैं, जनप्रतिनिधियों से जान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया पलवल के लिए। हमारे साथ सीधे सुभाष चौधरी साहब है जो पलवल के विधायक है और इनेलो ने फिर से इन पर भरोसा जताया है। चौधरी साहब, इस बार क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या दूसरी बार जीतेंगे और किस मुद्दे के तहत? बिल्कुल, जहां तक पलवल की जनता का सवाल है, मुझे जो पहले पलवल की जनता ने पहले चुनाव जिता के विधायक बना के भेजा और अब भी मुझे, मैं चौटाला साहब का आभारी हूँ, उन्होंने दोबारा मुझ पे विश्वास व्यक्त किया, उसी विश्वास से मैं दोबारा चुनाव लड़ के आऊंगा। इसका कारण अभी गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सबसे बड़ा जो मुद्दा है लाइन ऑर्डर का, साढ़े चार साल जो दमन चक्र हरियाणा की पलवल की धरती पर हुआ है वो शायद इवन जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह उसके घर भी नहीं हुआ। साढ़े चार साल, चाहे किसी पार्टी के लोग, मैं नहीं कह रहा बीजेपी के, वो बीजेपी के भी, हमारे भी, बीजेपी बहुजन के भी, उन्होंने कांग्रेस के आदमियों को छोड़ के जिसने वोट नहीं दी सब पे दमन चक्र हुआ। उस दमन चक्र का, दमन चक्र छोड़िए ना, आप मुद्दे बताइए, पांच साल में आपने क्या किया और अब पांच साल में अब आप किस आधार पर जाएंगे जनता के बीच के हमें सब दीजिए भाई। सबसे बड़ा ही तो दमन चक्र है, उसी के लिए तो आजाद पलवल करवाना है, पीछे कर दिया, चौटाला साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। अब की पलवल में हरियाणा में मुख्यमंत्री चौटाला साहब बनेंगे, विधायक लोग मुझे बना के भेजेंगे, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्यार है जनता का। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको कि साढ़े चार साल जो मैंने मांगे करी, जिसको आज ये दलाल साहब जो करण सिंह दलाल सिरे लेना चाहता है, मैंने महिला कॉलेज मांगा आज तक नहीं दिया, मैंने अपना
किसानों के लिए यमुना ब्रिज पे जो रहीमपुर पुल है वहाँ बैराज बनाने का काम मैंने मांगा, वो नहीं दिया। मैंने 2010 में खादर की सड़क मांगने का काम किया, खादर में पानी मांगने का काम किया, वो अब नहीं। यानी आपको लगता है अनदेखी हुई है कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं, नहीं, नहीं सारे आपको दोबारा मौका दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी अनदेखी मेरे पलवल क्षेत्र में हुई है उसने अनदेखी कहीं इस हरियाणा की धरती पर नहीं हुई। उसका बदला लेने के लिए जनता आपको दोबारा मुझे बुलाने का काम करे। बिल्कुल, जनता दोबारा भरोसा जताएगी। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है हालांकि बीजेपी का कोई ज्यादा वजूद नहीं रहा है और पलवल विधानसभा पर भी ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन गिरिराज जागर साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। वो क्या कहते हैं कि इस बार बीजेपी को कुछ उम्मीद है, क्या कमल खिलेगा पलवल पर? निश्चित रूप से इस बार पलवल से कमल खिलेगा और लोग भारी इंतजार में बैठे हैं कि कब ये चुनाव डिक्लेयर हो और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुन करके विधानसभा में भेजें ताकि पलवल का चहुमुखी विकास हो और जो अब तक उपेक्षा पलवल की होती रही है और उसको सुधारा जा सके। क्योंकि हमारे जो युवक हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिले हैं, नौकरियों में भेदभाव बरता जा रहा है और चाहे कोई भी विकास का काम ले लीजिए, केवल लघु सचिवालय बनवा देने से हम इसको विकास नहीं कह सकते। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान। कांग्रेस ने अनदेखी की या विधायक ने दिलचस्पी नहीं ली? विधायक जी ने तो आज तक भी पूरे ये 4.5 साल में कहीं कोई एक पैसा भी विकास के लिए लगाया हो ऐसा हमारा देखने में नहीं आया है। और चाहे कारण कोई भी रहे हो, लेकिन हमारे विधायक कोई विकास पिछले 4.5 साल में नहीं करा सके पलवल का। और कांग्रेस का भी मैं कहना चाहूंगा कि जितना होना चाहिए था बहुत पीछे है विकास के क्षेत्र में। आप उधर रोहतक देखिए, हिसार देखिए, उधर देखिए, लेकिन पलवल के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से हरियाणा में बनेगी और चहुमुखी विकास हमारा। चलिए, चहुमुखी विकास का दावा कर रहे हैं गिरिराज जागर साहब। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। हालांकि करण सिंह दलाल की बात की जाए तो वो यहां से पहले विधायक रहे थे, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए, वो बिजी थे अपने क्षेत्रों में दौरा कर रहे। माना जा रहा कि कांग्रेस उन पर दाव खेलेगी और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं तो दाव उन पर ही खेला जाएगा। इंद्र दलाल साहब हमारे साथ जाए कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। इंद्र दलाल साहब, कांग्रेस किस एजेंडे के तहत चुनावी मैदान में जा रही है और क्या लग रहा है कि पलवल में कांग्रेस की वापसी होगी? देखिए, कांग्रेस विकास के मुद्दे लेके आएगी और इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो अभी आपने हमारे यहाँ से विधायक जी ने कहा था, मैं इनकी बात मानता हूँ कि ये विपक्ष में थे इसलिए कुछ सक्षम नहीं थे करा पाने में, लेकिन 2000 से और 2005 तक जो इनकी गवर्नमेंट बनी थी उसमें अगर एक कोई काम किया हो तो वो ये गिनवाएं। और कांग्रेस ने जितने कार्य किए हैं 1991 से लेकर अब तक, जो भी मैं समझता हूं कार्य किया है, चाहे उसमें शुगर मिल हो गई, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, या ये हाईवे के नाले हो गए, या और भी जो विकास के काम। इंद्र दलाल साहब, आप कह रहे हैं आपने काम करवाए, आप करण दलाल लाए, लेकिन कहीं दिखता नहीं है, पूरा गंदा शहर, टूटी सड़क है, इसलिए नहीं है। जवाब तो मैं ले लूंगा विधायक साहब। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है और डिस्ट्रिक्ट को कम्प्लीट होने में 18 साल लगे थे फरीदाबाद को, तो इसलिए काम इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा। झाड़ू मारने में 18 साल, ये तो कोई बात नहीं होती ना। झाड़ू पे नहीं आ रहा मैं, झाड़ू पे मत जाइए। जितने ऑफिस हैं, जितने ऑफिस और कार्यालय अधिकारी जितने भी बैठते हैं उसमें 18 साल पहले फरीदाबाद कंप्लीट जब हुआ था, तो समय तो इसमें भी लगेगा। झाड़ू पे आप कहाँ से आ गए, मेरी समझ से बाहर है। ना मैंने कहा गंदगी पड़ी है, अभी आप जाइए कोई देखेगा, बाहर से विदेशी लोग गुजरते हैं, आगरा जाते हैं। नहीं आपने ये पलवल गंदा शहर, आपने मुझे इसके बारे में तो नहीं पूछा था, इसके बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप विकास कौन करा रहा है, ना तो विधायक दाव देख रहे। देखिये मेरी बात सुनिए, ये जो नाले और नालियाँ ये बरसातों में अक्सर रुक जाती है और रुकने के बाद क्या है कि पानी ठहरता है एक जगह पे तो उबलता भी है, वो सड़क पे आता है तो उससे। आप मुद्दा बता दीजिए दलाल साहब कि मुद्दा क्या रहेगा और आप इस आधार पर जीत जाएंगे इस बार। देखिए कांग्रेस ने विकास के इतने कार्य किए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप केंद्र की सरकार पे आ जाइए, भूमि अधिग्रहण का बिल जो केंद्र सरकार ने किया है ये इतना बड़ा काम किसान के लिए कर दिया कि किसान को संजीवनी दे दी है। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसान के लिए ऐसा भी किया जा सकता है। आप देखिए जो रेट कलेक्टर रेट है
उसका चार गुना तो गांवों में मिलेगा अगर एक्वायर जमीन करती है सरकार तो 80% आदमियों की सहमति होती है उस पे, है जी। और शहर की अगर जमीन लेती है तो उसका डबल मुआवजा मिलेगा। ठीक है, चलिए आप तमाम मुद्दों के साथ आपको लगा फायदा है। मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। चलिए जनता से भी पूछ रहे थे कि वाकई में क्या क्षेत्र का विकास हुआ है। जी बताइए, क्या क्षेत्र का विकास हुआ है? बिल्कुल, मैं तो यह कहूंगा यहाँ पे क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। और अगर कोई 20-25 वर्षों से आर्थिक व सामाजिक गुलामी से एकमात्र विकल्प है वो श्री सुभाष चौधरी जी। ठीक है, आप बताइए विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ जी। यार ये जो किसान मुद्दा है इसमें कुछ बोर्डों पे हमने देखा है कि लिखा हुआ कि किसान का बेटा हूँ, किसान की कदर जानता हूँ और 2 करोड़ के किले को 16 लाख में बिकवाना जानता हूँ। चलिए, विकास हुआ। मेरा माननीय दलाल साहब से एक प्रश्न है कि अभी हम, मेरे भाई ने अभी एक बात कही किसान ने कि जो जमीन को रोहतक में 2 करोड़ 22 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है और पलवल में जो जमीन का जो मुआवजा दिया है 294 एकड़ जमीन जो कांग्रेस ने हड़प ली है यहाँ पर वो 16 लाख रुपए के हिसाब से हड़पी है। अगर यही विकास है तो माननीय दलाल साहब से पूछना चाह रहा हूँ, चाचा विकास हुआ पलवल में? विकास हुआ तो भीड़ तो वैसे कर ले जब तो। चलो और बताइए जल्दी। यहाँ नौकरी बिल्कुल भी नहीं है, रोहतक को नौकरी बिल्कुल नौकरी नहीं है पलवल में, नहीं है। और भी लोगों से जान लेता हूँ। जी बताइए विकास हुआ पलवल का? विकास नहीं हुआ, सिर्फ गुंडागर्दी बड़ी पंथ पलवल का। विकास के नाम पर छलावा हुआ बस। बताइए बिल्कुल, जो बड़े बूढ़े के हाथ पांव टूट के पटक खा खा के खड्डे में आप तक कुछ ना हो। और बताइए, दलाल साहब तो चंडीगढ़ में घूमते रहते हैं, शनिवार और संडे को आते हैं। कुछ नहीं हुआ सर, विकास हुआ है दलाल फैमिली का और किसी का विकास? चलिए आप बताइए, विकास नहीं हुआ कुछ भी। चलिए दोबारा भी लेंगे, विकास कुछ नहीं हुआ, टूटी सड़कें क्या दिया चौधरी साहब आपने? टूटी सड़कें, गंदा पलवल, आप बताइए ना। मैं पहले कह रहा हूँ और मैं बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बात कही इंदर दलाल ने, कांग्रेस ये तो मान रहे कि मैंने काम नहीं दिया, लेकिन ये क्यों नहीं माने कि जिन कामों को मैं लाना चाह रहा था उनमें ये रोड़ा बन गए? अरे ये मंगवाते यूनिवर्सिटी मंगवाते जो मैंने मांगी, महिला कॉलेज क्यों मैंने पहले कहा, ये मेडिकल कॉलेज लाते सन 96 में दलाल साहब पे साथ बैंक में हुआ करते थे करण सिंह दलाल पे, जब क्यों ना जिला बनवा दिया, जब क्यों ना महिला कॉलेज ले आया, यूनिवर्सिटी ले आया, सिविल अस्पताल को 200 बेड या 500 बेड का क्यों नहीं करवा दिया? जो आज ये कहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, ये तो सिर्फ मेरे डर के मारे जो मैं कहता हूँ वो काम ये लागू कर दे, वह मैं राजी रहे। चल मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह हर बार कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि हम इतने करोड़ रुपए पलवल के विकास के लिए लाए। ये पिलर घोटाला कांड जो पिलर घोटाला कांड है, 130 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको क्यों, अफसरों को क्यों बचाया जा रहा है? ठीक है, अफसरों को बचाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नगर परिषद की सीमा बढ़े हुए लगभग 1.5 साल हो गया है और आम आदमी की पहुंच से यहाँ की प्रॉपर्टी बाहर है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग की है। ठीक है, आप बताइएगा। यहाँ बहुत ज्यादा विकास हुए हैं, जिन्होंने वोट ना दिए उस पर 3 विकास हुए सड़क टूटी, अरे बहुत जिन्होंने 3, अरे ये विकास हुए, विकास बहुत है, जिन्होंने 307 बनवाई, जिन्होंने वोट ना दी, विकास तो ही। चले मैडम बताइए विकास हुआ है? यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल विकास नहीं है और किसी भी वर्ग के लिए नहीं है। महिलाएं आज असुरक्षित हैं, बाहर निकल दिया तो बहन बेटियों का महिलाओं को डर लगता है क्या इधर? महिलाओं को बहुत डर लगता है, उनका निकलना बिल्कुल असंभव हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, क्या वाकई में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है जी बिल्कुल भी। क्यों, कानून व्यवस्था तो विधायक साहब कुछ नहीं करते? बिल्कुल कानून व्यवस्था की काम बिल्कुल है ही नहीं, विधायक साहब ने ध्यान नहीं दिया। विधायक साहब जी यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ये ना पानी की, विधायक साहब को नींद आ रही है, आराम से सोए हुए हैं, उनने आज तक कुछ नहीं किया। ठीक है, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकारी महकमे सारे के सारे भ्रष्टाचार के अग्गे बन चुके हैं, पुलिस महकमा, राजस्व महकमा, बिजली महकमा, झूके फर्जी बिल भेजे जा रहे हैं पब्लिक के पास, जो बिल भर गए हैं उन पे घूंगा चार्ज किया जा रहा है, बहुत घोटाला रहा है, आप ही मार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी कह रही है कि हम भी जीतेंगे, लेकिन गिरिराज जागर साहब जनता जाती है मंडी 80 रुपए किलो टमाटर, मोदी कह रहे हैं महंगाई कम कर दें, कहाँ हुई? देखिए आप दाल के भाव आप देखिए, टमाटर बता दीजिए, हम सब टमाटर, टमाटर फसल की मार है, मौसम की मार है फसल पर, और उस पर ये सब धीरे धीरे
सही कंट्रोल इस पर होगा, महंगाई कंट्रोल में होगी। अभी आपने देखा होगा हमारा केंद्रीय बजट, सभी उनको ध्यान में रखकर सबके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो हमारे कश्मीरी विस्थापित हैं उनके लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, इतना अच्छा बजट जितना केंद्र सरकार। फिलहाल तो महंगाई पे ही जवाब देना होगा ना, महंगाई सब पूछेंगे भैया मोदी ने तो कहा था। केवल हम फूड कानून, देखिए कोई भी काम हो व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, समय लगता है। इंदलाल साहब, विधायक साहब का आरोप था, उन्होंने कहा कि हम योजनाएं ला रहे थे, आप रोड़ा दे रहे थे। देखो ये आम पब्लिक को नहीं पता कि भाई ये विकास के लिए कोई योजना ला रहे थे और उसमें अड़ंगा लग गया, ये तो विधानसभा लेवल की बात, अब ये जाने हमें तो इस बात का आम जनता को नहीं पता। इससे तो हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे शायद, कि आम आदमी को क्या पता कि इन्होंने क्या डिमांड करी वहां पे। और बताइए अब जो हमारे डागर साहब ने कहा है अभी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा था ना बीजेपी का, अच्छे दिन आने के जो है ना कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले हैं कि अभी अभी इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी स्टेट धान या गेहूं पे बोनस देता है तो उस स्टेट का अनाज नहीं खरीदा जाए, यानी कि किसान को ज्यादा रुपया नहीं देने देंगे हम, अगर किसी भी प्रदेश ने दिया तो हम उसकी खरीद बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, आप ये मसला उठाए हैं, अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले महंगाई का मसला है। चलिए आज का जी, मेरा नाम प्रवेश पारा सर है, मैं जिला प्रवेश पारा साहब है, आज का की तरफ से पूछ रहे थे उनका ट्रैक्टर यहाँ पलवल में चल पाएगा जी। हमारा ट्रैक्टर पलवल में नहीं, पूरे हरियाणा में चलेगा और जोर इसके साथ चलेगा, बीजेपी या बीएसपी? देखिए हमारा अभी तक गठबंधन बीजेपी के साथ है और मैं चाहता हूँ कि गठबंधन बना रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और अगर नहीं भी रहेगा तो हम 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और अपनी सरकार बनाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए विधायक साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन विधायक साहब इलाके में दिखते हैं नहीं दिखते, लोग पूछ रहे हैं, विधायक साहब दिखते हैं? बिल्कुल, विधायक साहब जी विपक्ष में रह करके खामोश हैं, कुछ असमंजस दिखते हैं, विधायक साहब आते हैं इलाके में नहीं आते, विधायक साहब दिखते हैं? भाई साहब एक मुद्दा मेरा जनरल, एक मुद्दा जल्दी बताइए, बिजली नहीं आती पूरी रात, विधायक साहब खूब आते हैं कैसे? हमारे पलवल या हरियाणा की सरकार ने एक मुद्दा उठाया था कि जो जमीन अधिग्रहण होगी उसमें रॉयल्टी दी जाएगी, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि वो रॉयल्टी गई कहाँ? अभी जमीन एक्वायर कहाँ हुई है? गांव का मैं निवासी हूँ, जिला पुलिस लाइन में हमारी जमीन गई है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ वो रॉयल्टी कहाँ है, जो बात सामने आई थी वो जवाब लेना। एक मिनट, अभी ये जो आपकी जमीन एक्वायर हुई थी ये कानून उसके बाद बना है, लेकिन उसमें भी इन्होंने ये कहा है कि जो 5 साल पहले तक की एक्वायर हुई है जमीन उसको नए भूमि अधिग्रहण बिल के तहत दिया जाएगा, तो अभी आप इंतजार कीजिए और आप उसमें अपनी पैरवी कीजिए। ठीक है, और भी लोगों से जान लेता हूँ मैं, बताइएगा जी, बताइएगा। कांग्रेस ने लंका डुबो दी हरियाणा की। ठीक है, आप बताइए। सर विकास का नाम खाली नामकरण संस्कार में अच्छा लगता है, आप बताइए। शायद कांग्रेस के टाइम में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मचा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। इनेलो के पास क्या रहेगा फिर? हमारे पास बहुत मुद्दा है, जो हमारा जो डायरेक्ट वो किया है हमारे ऊपर से कल हमने रिलीज किया है। ठीक है, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं प्रॉपर्टी डीलर है। मैं दलाल साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बस अड्डा हरियाणा रोडवेज बस चलाने के लिए बनाया था या कैपिटल बस चलाने के लिए बनाया था? जो निखालस कैपिटल बस चल रही है, 4 परमिट है, 25 बस चल रही है कैपिटल की, उनको पुलिस वाले भरवाते हैं रोड पे खड़ा। कांग्रेस से कोई भी खुश नहीं है, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें, सड़क, कुछ नहीं मिला है, कांग्रेस शासन से सभी दुखी है। लोगों ने मन बना लिया है पलवल की जनता ने कि आदरणीय सुभाष चौधरी को कम से कम 50,000 वोट जिता के। चलिए ठीक है, चलिए अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस से दुखी है, लेकिन जनता से जान लेते हैं, क्या वाकई में सुभाष चौधरी साहब इलाके में नजर आते हैं? जल्दी से बता दीजिए। जनता का ये राज मगर जनता सारी फरियादी है और पैसों के मतवालों ने ये हालत आज बना दी है, कदम कदम पर जो सुनाई देती है, निर्धन की कोई बात में पूछे इज्जत है धनवान की, और 67 साल में ऐसी तैसी कर दी हिंदुस्तान की। चले चले, ठीक है ठीक है, चलिए आप बताइए क्या विधायक साहब इलाके में दिखते हैं आपको? सिर्फ सुभाष चौधरी हमारे इलाके में दिखते, बाकी कोई नहीं। 24 घंटे 24 घंटे 24 में से 18 घंटे क्षेत्र में रहते, बहुत ज्यादा समर्थक है चौधरी साहब? नहीं, समर्थक की कोई बात नहीं है, ये जो भाई कह रहा है ना, क्या ये भाई शायद मुझे पहचानता ही नहीं,
ये भाई नहीं कहता, अगर इस क्षेत्र की जनता कोई भी किसी मोहल्ले में ये कहते कि सुभाष चौधरी महीना में 20 दिन में नहीं दिखता हो, तो मेरी गारंटी है ये भाई पता ना कहाँ रहे जो इस बात को कह रहा। लग रहा है सुभाष चौधरी साहब रिपीट हो पाएंगे 100% सुभाष चौधरी इस बार आएंगे 100% दिन और रात सेवा में। लोग तो कह रहे हैं विकास हुआ नहीं, सड़क आपको बताता हूँ, अभी गांव में बिजली भी नहीं मिली। मैं उन लोगों की बताता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ रात को और दिन को सरकारी हॉस्पिटल में जाके जहाँ जनता को मरीजों को बाहर पड़े रहते हैं वहाँ डॉक्टरों को ठीक करते हैं, सीएमओ को ठीक करते हैं, प्रशासन में जहाँ गंदे और गलत तरीके से जो आरोप लगाकर उन पर धाराएं लगाई जाती हैं, ये लोगों के साथ थाने में जाते हैं वहाँ पर उनकी धाराओं में और प्रशासन पे अपना दबाव बना के और उनकी बेईमानियों को दूर करने का काम। चलिए दलाल की दबंगई चल रही है क्या? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर करण सिंह दलाल की दबंगई चलती है। करण सिंह दलाल, देखो भाई बात सुनो करण सिंह दलाल के बारे में ये जो भाई कह रहे हैं, अरे वो तो बहुत शरीफ आदमी है, हा? ये तो बिल्कुल, ये तो उसके बारे में अच्छा। अब ये ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए जी लोक दल वाले, तो इससे क्या समझ रहे हो, कोई लोक दल की वोट बढ़ गई? ऐसा नहीं बढ़ा। अच्छा दूसरी बात आप ये देखिए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है अपना, उसमें एक भी नई बात कोई नहीं है, जो पहले से कांग्रेस ने की हुई है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा इन्होंने। चलिए ठीक है आप। हेलो सुनो, माइक छोड़ के मैं बात करता हूँ, मेरी आवाज जा रही है मेरी बात। आप यहाँ पर, मैं कांग्रेस के जो प्रेजेंट में हमारे सत्ताधारी लोग रहे हैं, हमारे सत्ताधारी लोगों ने सिर्फ एक काम किया है, 2000 से ज्यादा पलवल विधानसभा से 2000 से ज्यादा लड़के यहाँ नीम के जेल के अंदर बंद है, जिन्हें ये नहीं पता कि उनका गुनाह क्या है। पलवल किसने करा दिया उन्हें? यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने उन्हें जेल के अंदर भेजा है। पलवल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने एक विश्वास के साथ सुभाष चौधरी को विधायक बनाया था कि हम लोग आगे चल करके इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन वो मौन हो गए। ये लड़ाई आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। किसान की आवाज किसी भी पार्टी में नहीं उठाई। सड़कों के अंदर खड्डे हैं, नालों के अंदर पानी नहीं है किसान के लिए। किसान जब तक समर्थ नहीं होगा कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम ऐसा एमएलए चुन के देना चाहते हैं यहाँ से जो क्षेत्र की लड़ाई लड़ सके, और इस बार एमएलए हम वो देंगे जो सीएम तक पहुंच सके। सारे हरियाणा से सारे भ्रष्ट अफसर छांट करके पलवल के अंदर रखवाए गए हैं। कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल ने जनता का दमन करने के लिए उन अफसरों को झूठे केस बनाने की छूट दे रखी है, केवल इसलिए कि शहर की जनता को लुटवा रहा है कि करण सिंह दलाल के वो झूठे काम यहाँ पर फर्जी कामों को वो लोग करते हैं और जनता को लूटने की उन्होंने इसके बदले में छूट दे रखी है। ठीक है आपके ये कहते हैं मोदी सरकार के पास क्या था? खाली डब्बा था है जो सरकार लूट के लेगी। काय की बहन बेटी इनकी इज्जत लूट के लेगी, काय के कुछ लेगी, घरों में डाके डलवाए, सारा कुछ काम किया उन्होंने। गंदे भ्रष्टाचारी बहन बेटी ने उठवा के रंडिंग के कोठन पे बैठा। बाबा इतना बहुत हो गया। हाँ, ठीक है आप बताइए। शहर के अंदर कोई विकास नहीं, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित, ना कोई मेडिकल की कोई वो है, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं। देखो शहर में मकान फटे पड़े, एक दिन भी अगर मंत्री जी ने किसी, देखिए महिला अगर बाजार में आती है तो उनकी गलियां चैन छीन छीन के और अपने गलियां में डाल के चले जाते हैं गुंडे। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब कहूंगा, जब इन्होंने की सरकार थी तो उसने कोई विकास नहीं किया, और कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल रही है उसने भी बिल्कुल विकास नहीं किया। हरियाणा में शहर का विकास हो सकता है, रोहतक का हो सकता है, गुड़गांव का हो सकता है, तो पलवल का क्यों नहीं हो सकता? चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं सब पे आ रहा हूँ। लेकिन चौधरी साहब एक बड़ा सवाल है। आप ठीक है, आपने कहा कि आपने मांगे उठे आई लेकिन मांग आपकी सुनी नहीं, तो बैठते विधानसभा क्या धरने पे बैठ जाते? आप एक जितने धरने और जितनी मांग हमारी पार्टी ने इन 4.5 साल में उठाई है, एक भाई ये कह रहा था पीछे बीजेपी का, क्यों अब उनकी हालत तो खराब है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो कह रहा 4.5 साल मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, उसे ये नहीं पता तीन एसपी बदलवाए हो मैंने, 4 DC बदलवाए मैंने, वो भाई पता ना कहाँ से कह रहा हो 10 SHO सस्पेंड करवाए वो मैंने। ये कह रहे सुभाष चौधरी वो भरोसा रखा था
भरोसे को मैंने कायम किया श्रीमान जी, और आगे भी करूंगा। सबसे पहले लाइन ऑर्डर का व्यवस्था इस पलवल जिले में सुधारने का काम करूंगा। चौटाला साहब का अगर आशीर्वाद रहेगा। सबसे ज्यादा जो धरना प्रदर्शन हुआ है, जनता के लिए जो हित की बात, जो सबसे ज्यादा हमने जो धरना प्रदर्शन किए, वो हमारी इनेलो पार्टी ने किए, हमारे विधायक ने किए, हमेशा हमने हर चीज को बिजली बता तो के महिलाओं के लिए, सबसे ज्यादा महिलाओं ने हमेशा टोल टैक्स का भी, महिलाओं की सुरक्षा का भी, प्रशासन की व्यवस्था का भी, हमेशा हमने बिजली को। एक टोल टैक्स का मुद्दा, क्या टोल टैक्स का मुद्दा उठाएगी? अगर अगर हरियाणा जनहित कांग्रेस हरियाणा में आती है तो हरियाणा के अंदर टोल टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होगी। आज तक हरियाणा को कांग्रेस ने और एनएलओ ने दोनों ने लूटा है। पलवल का कोई विकास नहीं हुआ, पूरे हरियाणा में कहीं विकास नहीं है। पलवल में कहीं भी जो है सड़कों पर पानी भरा हुआ, निकासी नहीं है। जहां कांग्रेस ने तो इसका खराब किया ही है, पूरे हरियाणा को एनएलओ ने उससे भी ज्यादा खराब किया। चले आप बताइए, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। पलवल में बहुत बुरा हाल है और हम तो ये कहते हैं सुभाष चौधरी जिंदाबाद। चलिए, टोल टैक्स बड़ा इशू है यहाँ पर, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या बीजेपी मसला उठाएगी? टोल टैक्स पर हमने दो बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाम लगाया है और टोल टैक्स को समाप्त करने के लिए बात उठाई है और इस पर सारा विचार चल रहा है। ये विचाराधीन है, टोल टैक्स का मामला विचाराधीन है, चल रहा है, और हमने दो बार प्रदर्शन भी किया है, जाम भी लगाया है। और जो महंगाई की बात और भ्रष्टाचार की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले आप साल में हमारे जो मौजूद हमारी जो मौजूदा सरकार है, ये ना तो कोई MBBS कॉलेज लाई है, ना BEd कॉलेज लाई है, ना JBT कॉलेज लाई है। इसने शिक्षा के विषय में कोई विकास नहीं किया है। डीजल पेट्रोल डीएपी खाद यूरिया है महंगा, गेहूं चावल चाय और चीनी घी और दूध हुआ महंगा, महंगाई ने कमर तोड़ दी, टमाटर हुआ बहुत महंगा। ठीक है, देखिए सारी कहेगा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जितने पिछले तीन साल में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किए, ना इनेलो कहीं नजर आई, ना कोई और पार्टी नजर आई। देखिए पिछले 10 साल में जो कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस में अराजकता माहौल रहा है, दमन कांग्रेस का माहौल। तो लोगों की आप बात सुन रहे थे, पलवल की जनता, क्योंकि मुझे प्रोग्राम खत्म करना है और प्रोग्राम पलवल की जनता की बात सुनी। हालांकि इनेलो के विधायक सुभाष चौधरी दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस कहती है कि कोई विकास नहीं हुआ, बीजेपी कहती है कि हम जीत कर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, जब चुनाव होंगे तो कौन जीत कर आएगा पलवल विधानसभा क्षेत्र से। चुनावी चौपाल में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।